थामा जी जो कि यहाँ के विधायक है बागपत के, खेलों की पट्टी होना चाहे वॉलीबॉल हो चाहे कबड्डी हो, बिल्कुल सभी खिलाड़ियों से सहयोग करते हैं। योगेश थामा जी, निर्पुणा में जब ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है तो आपका बिल्कुल सम्मान समारोह है, ये सभी जो खिलाड़ी हैं इनका परिचय करते हुए ये सेमीफाइनल में सफर तय करेगी। यहाँ से ये इधर हमारे सभी ऑफिशियल हैं जो इस मैच का रेफरशिप करेंगे, विधायक जी, माननीय विधायक जी, सभी से परिचय करते हुए ये भाई मावी कला की टीम है, ये भी बेहतरीन टीम है, इधर होम विलेज टीम है, ये मावी कला बागपत में चलता हुआ ये टूर्नामेंट। योगेश दामाजी खेल के लिए बहुत कुछ करते हैं भाई, विधायक जी सभी को बिल्कुल प्रोत्साहन देते हुए, सभी बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए, क्योंकि अंकी गांव की टीम है, लोकल टीम है मावी कला। भाई गेम स्टार्ट होगा, पहली रेड रहेगी मावी कला की तरफ से, सभी ऑफिशियल बिल्कुल ऑफिशियल सच चुके हैं भाई। अब रेड स्टार्ट है, पहली रेड रहेगी मावी कला की तरफ से, लोकल विलेज टीम है भाई मावी कला। बागपत में चलता हुआ ये टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल का लास्ट मुकाबला मावी कला वर्सेस जेडी एकेडमी नोएडा के बीच, बेहतरीन रेड, पहली रेड, क्या होगा इस मैच का निर्णय भाई, कहना कुछ भी असंभव नहीं भाई। जेडी एकेडमी भी बेहतरीन टीम है, ना मावी कला कम है, आप इन्हीं खिलाड़ियों को मेरे चैनल पर बार बार देखते आए हैं, सोनीपत हरियाणा की तरफ से भी खेले हैं ये खिलाड़ी। बेहतरीन जेबी 5 नंबर के साथ ये भाई गौतम बुद्ध नगर का जेडी एकेडमी का बेस्ट रेडर है, हल्लू के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी, मानवता है धर्म हमारा। लेकिन और ये देखना होगा, बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा, शिरकत करता हुआ नजर आएगा, ये हमारे भाई सुरक्षा कर्मी जो कि रात दिन हमारे विधायक जी की सेवा में रहते हैं, और ये बेहतरीन काम करती है जेडी एकेडमी, जबरदस्त काम करता हुआ ये शिवम भाई, शिवम 44 नंबर में है, बेहतरीन खिलाड़ी है, दोनों ही टीमें बेहतरीन है। ये भाई बॉबी कसाना, जब भी ये लाइन जंप देखने को मिलेगी कहीं मैच में, सबसे पहली बॉबी कसाना की मिलेगी, जिस तरह पवन शहरावत लाइन जंप दिखाते हैं उसी तरह ये दे, लेकिन यहाँ ये खिलाड़ी बिल्कुल भाई मन बना रखा था कि नहीं टैकल नहीं कर रहा, जब देखा कि परिस्थितियां, पहली रेड में बिल्कुल भार रखा है, जब तक भार रखेंगे बॉबी कसाना को गेम स्लो होता रहेगा जेडी एकेडमी का, लेकिन डिफेंस भी काम कर रहा है, रेडर काम कर रहे हैं तो डिफेंस उससे भी ज्यादा काम करता हुआ, ये दूसरा पॉइंट है डिफेंस में, शुरुआत में ही नींव मजबूत रखना चाहती है। बिल्कुल कोई टीम कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे मावी कला हो, 5 का डिफेंस है, 5 नंबर रेडर है, कमाल का डिफेंस, कमाल के रेडर, कौन मारेगा बाजी इस गेम में, अभी कह पाना बिल्कुल दोनों ही टीमों के लिए हमारे लिए बेमुश्किल होगा कि कौन जीतेगा ये मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का ये लास्ट मुकाबला, दो टीमें पहले ही सेमीफाइनल का सफर तय कर चुकी हैं, जिसमें और ये बेहतरीन, लेकिन नहीं ये गलती होगी, उड़ान देख रहा है, स्कोर 3-2 हो चला है भाई, मुकाबला बेहतरीन है, दिया है हिम्मत तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहां देख रहा है। बिल्कुल इदरीस जी, बार बार आपको ऐसी ही कमेंट्री और शायरी सुनाते रहेंगे, क्योंकि आप पहले भी जो बसेड़ा में टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत शायरी, लेकिन ये कामयाबी है, ये मजबूती है भाई, बिल्कुल सही जगह पर पहुंच कर दिया, चीन की दीवार की तरह रवि सामने, रवि भाई बेहतरीन कॉर्नर है, 8 नंबर खिलाड़ी, कमाल का रेडर, क्या यहां होगा कामयाब, ये जेडी की जो मजबूती है, दोनों खिलाड़ी बाहर है इस समय, हल्लू 5 नंबर के साथ,
सात का फुल स्क्वाड है, फुल डिफेंस है, क्या यहाँ बोनस ऑन है, क्या बोनस की ट्राई करेंगे या टच पॉइंट लेंगे, ये बेहतरीन कॉर्नर। बिल्कुल भाई ये है कमाल, थाई होल्ड किया था, पीठ नहीं दिखा सकते हैं भाई। चार खिलाड़ी कोर्ट में, ये खिलाड़ी बहुत जल्दी रेड करता है और जिसका इसे फायदा भी मिलता है। पहले मुकाबले में आपने देखा था तीन सुपर रेड इस खिलाड़ी की देखी थी। चार तीन, चार तीन है स्कोर और ये बेहतरीन मुकाबला, ये देखना होगा। बिल्कुल भाई नहीं, पॉइंट नहीं दिया है, डुअल डाई है, चार का डिफेंस है, क्या ये डिफेंस मारेगा यहाँ बाजी, या रेडर होंगे कामयाब। ये शिवम का टैकल है भाई, मैंने पहले ही बताया था, ये रेफरी साहब ने ना देते हुए बिल्कुल रेडर को आउट किया है। ये बेहतरीन और यहां टो टच करने की कोशिश, राइट कॉर्नर पर प्रयास था लंबा। अभी तो मैच की शुरुआत है, आगे आगे पांच नंबर खिलाड़ी, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। बिल्कुल ऋषि, बड़ा गुरूर है तुझे, सिर्फ ये तूफान हमें बेचित है कि दरिया को पार करना है। पांच नंबर खिलाड़ी, पांच नंबर खिलाड़ी कोर्ट में और पांच ही खिलाड़ी कोर्ट में जेडी के, और 11 नंबर राइडर मवी कला का। स्कोर बराबर है भाई, जैसा मुकाबला कोर्ट में ऐसा ही मुकाबला बोर्ड पे, बेहतरीन मुकाबला क्वार्टर फाइनल का ये, चार चार स्कोर बराबर दोनों तरफ। जो खिलाड़ी है भाई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, सेमीफाइनल का सफर तय करना चाहेगी दोनों ही टीमें। क्या बेहतरीन यहां भार किया है, चकमा दिया है पांच नंबर ने, और अब स्कोर 5-4 हो चला है। भाई निर्णय कुछ भी निकले इस मुकाबले का, विधायक जी बिल्कुल आनंद लेते हुए इस मुकाबले का, योगेश धामा जी विधायक बागपत जो कि यहां इस मुकाबले का लुफ्त उठाते हुए, लालच दे रहा था रेडर भी, लेकिन उस लालच में फंसे नहीं। किसान इंटर कॉलेज मावी कला में चलता हुआ ये मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला। पांच खिलाड़ी कोर्ट में, क्या यहां कामयाब होंगे रेडर, बिल्कुल अंदर तक रेड कर रहे हैं। थर्ड रेड है, स्कोर 5-4 है, थर्ड रेड और डाई रेड है, बोनस ऑन है, अगर यहां पॉइंट मिलता है तो स्कोर बराबर हो जाएगा। बिल्कुल यहां ये बराबर हुआ है स्कोर, बिल्कुल रेफरी साहब का आप देख सकते हैं साहब, स्कोर फिर बराबर हो गया है 5-5। भाई मुकाबला चाहे कोई जीते है लेकिन अभी तक सभी ने दिल जीता है, दर्शकों ने, और यहां एक दो या तीन और तीन खिलाड़ी, एक या दो या तीन देखना होगा रेफरी साहब का निर्णय। ये आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाते हैं। बिल्कुल तीन को दिया है भाई, पीछे हो जाओ, बिल्कुल भी दो पॉइंट दिए हैं भाई रेफरी साहब ने, टाइम आउट लिया है, गिव टाइम आउट में क्या रणनीति नहीं भाई, ये भाई जो हमसे गलती हुई थी थोड़ी उसके लिए क्षमा माफी, ये ऋषभ है भाई खिलाड़ी जो आठ नंबर में है, बिल्कुल दोनों जो बॉबी कसाना है सेम ऐसा ही लगते हैं। क्या हाँ बिल्कुल ये कामयाबी है, ये स्कोर धीरे धीरे जो बढ़ते है वो अब जेडी की तरफ होती जा रही है। 5-5 स्कोर था एक समय, अब स्कोर है 8-5 और ये सुपर टैकल ऑन है, अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल, अगर यहाँ सुपर टैकल होता है तो स्कोर 7-8 हो जाएगा। बिल्कुल ऋषभ को बाहर किया है और यहाँ टू पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह
मैंने बताया था स्कोर 7-8 हो चला है, 6 का डिफेंस है, 8-7 स्कोर हो गया है, 1 पॉइंट की लीड एडवांटेज, जो मानसिक बढ़त है वो भी जेडी एकेडमी के पास है और 1 पॉइंट की बढ़त भी, लेकिन ये बढ़त कब तक रह पाएगी ये देखना बाकी। बिल्कुल भाई, 5 नंबर खिलाड़ी, बिल्कुल ये छलांग है, बिल्कुल ये भाई दावा कर बना किया, बहुत बढ़िया, ये तो भाई पूरी स्पीड से है, ये नीरज नरवा, ये लाइन जंप लगाते हैं, सभी लगाएंगे, देखने को मिलेगी जंप मिलेगी और भाई डुबकी मिलेगी, और स्कोर कब होगा बराबर या बढ़त होगी जेडी के पास एक और पॉइंट की। स्कोर अभी है 7-8, बोनस ऑन है, एडवांटेज है, बिल्कुल स्कोर हो गया है बराबर भाई, ये मुकाबला जैसा होना चाहिए था, बिल्कुल स्कोर बराबर हो गया है, बिल्कुल जो एक खिलाड़ी ही टीम को लीड करे, दोनों ही टीम है बेहतरीन टीम है भाई, स्कोर भी बराबर है और कोर्ट में खिलाड़ी भी बराबर है, 5-5 खिलाड़ी और रेफरी साहब, बिल्कुल अंदर तक मार रहे हैं लेकिन कोई भी हेल्पर, ये तो जनता एक्सप्रेस है सादर से कल के सामने, और लेकिन ये भाई प्रयास कर दिए गए हैं, अब जो स्कोर है चार खिलाड़ी कोर्ट में, ये हाँ बिल्कुल एडवांटेज है और स्कोर, स्कोर बिल्कुल देख रहा होगा रेफरी साहब का निर्णय और स्कोर हो गया है बराबर, बिल्कुल भाई होल्ड पे लगा दे, स्कोर 9-9 बराबर है एडवांटेज, भाई स्कोर बिल्कुल बराबर है, जैसा मुकाबला कोर्ट में ऐसा ही बिल्कुल बोर्ड पर भी, ये हमारे सभी मुख्य अतिथि जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब मैं योगेश धामा जी विधायक जी हमारे दीपक कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो अगली प्रतियोगिता होगी तो उसमें वो मैच, भाई एक बार गेम स्टार्ट हो चला है, 9-9 की बराबरी है इस समय, सितारा होता आसमान के एक कोने में आशियाना हमारा होता, लोग तो ये दूर से देखते, ऋषभ भाई एक बार गेम में फिर से देखने का हक बस हमारा होता, ऋषभ भी बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, मुकाबला बेहतरीन और कड़ा और बड़ा हो चला है भाई, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, एक मेरे कोर्ट के पीछे मुकाबला चल रहा है कोर्ट नंबर 2, भाई ये बेहतरीन है, ये भाई शिवम कमाल का, ये बेहतरीन तीसरा टैकल है इस लड़के का और तीनों ही टैकल बेहतरीन टैकल किए हैं भाई इस लड़के ने, ये रेफरी साहब बिल्कुल चौकन्ने हैं, अब जो एक पॉइंट की लीड हो गई है वो लीड हो गई है जेडी के पास और जेडी इस लीड को बरकरार रखना चाहेगा, नरेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, चार खिलाड़ी कोर्ट में, जिले के सेक्रेटरी कबड्डी, आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है, स्टेज पर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें, नरेंद्र जी फ्रॉम बिजरौर, अभी कुछ ही दिनों पहले 1.5 महीना पहले 21,000 रुपए की इनामी राशि की प्रतियोगिता हुई थी बिजरौर में, बहुत ही आकर्षक प्रतियोगिता हुई थी, थर्ड रेड डोर डाई रेड है, 4 का डिफेंस है, क्या होगा कामयाब, यह देखने लायक गेम है भाई, अगर ये गेम नहीं देखा मावी कला का तो कुछ नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है बिल्कुल सांस है रोक देगा, फाइनल भी ऐसा हो या ना हो और बिल्कुल कामयाब होता हुआ, संपर्क टूट गया था पूरे तरीके से और स्कोर फिर हो गया है बराबर, ये रेफरी साहब बिल्कुल
निगाह लगाए हुए भाई, एक एक पॉइंट पर मुकाबला है, ये कह न पाना बिल्कुल सभी के लिए आसान नहीं होगा कि ये स्कोर 10-10 बराबर है, ये एडवांटेज नहीं है, ये शिवम की गलती है भाई, ये भारी पड़ेगी। छह खिलाड़ी कोर्ट में, ऋषभ एक बार फिर, आर्मी कोच महिपाल जी, तो भाई महिपाल जी, कुलदीप जी और सतेंद्र जी, लेकिन ये ऋषभ की गलतियां हैं भाई, स्थान ग्रहण करें और रेफरी साहब का सदस्य तीनों का स्वागत है, सभी टाइम आउट लिया है। ये भाई बेहतरीन मुकाबला, डूड ये सुपर टैकल ऑन है, क्या यहां देखने को मिलेगा, और ये अगर टैकल होता है तो कमाल का टैकल होगा। स्कोर फिर हो गया है एक बार, बराबर हो गया है स्कोर। ये तेजपाल सिंह हैं, आप जानते हैं इनको सभी, शायद मैं दिखाऊं, एनआईएस कोच भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, एफएफआई से और आरपीएफ के भी कोच हैं भाई। ये पांच नंबर खिलाड़ी, फिर स्कोर एक बार बराबर हो गया है 12-12। बिल्कुल भाई, सांसें थम गई है इस मुकाबले में, बिल्कुल भाई बराबरी पर है मुकाबला, कड़ा और बड़ा और तगड़ा मुकाबला है ये। बिल्कुल भाई शिवम जो मेन है और जान है टीम की, जेडी एकेडमी की, वो इस समय बाहर है, पांच नंबर खिलाड़ी वही 12-12 पर, स्कोर बराबरी पर है भाई, मुकाबला बेहतरीन है भाई, सांसें थम गई है इस मुकाबले में, क्योंकि आप देख सकते हैं आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल दर्शकों की कहीं से भी। युवा पीढ़ी और अपने आप को खेलों से जोड़े, 2023 में ये बेहतरीन किक लगाना चाहते थे, रनिंग अलग होनी चाहिए, किक का प्रयास किया लेकिन नहीं, पांच नंबर खिलाड़ी हो, फिर वापस आना होगा, और मध्यांतर हो गया है, और मध्यांतर के समय जो स्कोर है वो बिल्कुल एकदम बराबर है भाई। मैं लेकर चलूंगा गौरव भाई के पास, अंधेरा बिल्कुल है। गौरव भाई, जो 12-12 का स्कोर है, ये मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? नहीं गौरव भाई बताओ, बिल्कुल गौरव भाई की टीम सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच गई है, एक इनाम तो पक्का है, बिल्कुल चार तक इनाम है यहाँ। लीलू भाई बिल्कुल मुस्कुराते हुए भाई, स्कोर है बराबर, बेहतरीन मुकाबला है, चाहे निर्णय कुछ भी निकले इस मुकाबले का, 12-12 स्कोर है, रेफरी साहब बिल्कुल मुस्तैद है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो जान अटकी हुई है दर्शकों की भी और इनकी भी, क्योंकि एक पॉइंट इधर गया तो मामला खराब और एक पॉइंट उधर गया तो मामला खराब, बिल्कुल इन पर, बिल्कुल जी स्कोर बराबर है। सर कैसा लग रहा है मुकाबला? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर का लग रहा है भाई, एक तरफ मावी कला की टीम है लोकल टीम और एक तरफ जेडी एकेडमी की रेटर नोएडा है। एक बार फिर स्कोर मध्यांतर के बाद स्कोर बराबर है 12-12 और गेम स्टार्ट होता हुआ। छाओं से आगे निकल गए, हम उम्मीदों के गांव से आगे निकल गए, तूफान ये समझा था कि हम डूब जाएंगे, आधी में हम हवाओं से आगे निकल गए। बिलर कर रही है लाइट, क्योंकि लाइटें भी जानती है मुकाबला तगड़ा है भाई, ये मावी कला वर्सेस जेडी एकेडमी, क्या यहाँ कामयाब होंगे या सुपर रेड देखने को मिलेगी? लेकिन नहीं, अब बढ़त हो गई है जेडी एकेडमी के पास एक पॉइंट की, और खिलाड़ी दोनों तरफ 5-5 है कोर्ट में भाई, 5-5 खिलाड़ी और बोर्ड पे भी मात्र एक पॉइंट की लीड है, लेकिन ये एडवांटेज है और मनोमानसिक जो मानसिक बढ़त है वो जेडी एकेडमी के पास है इस समय भी। भाई संयोग की बात है, कोर्ट नंबर एक पर जब पहला हाफ 11-11 बराबर थे, 12-12 बराबर थे, कोर्ट नंबर दो पर ये भी हाफ समाप्त हुआ तो उसमें 11-11 बराबर है। क्या बात है भाई, जो इधर भी मुकाबला चल रहा है मैं उसको कवरेज नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन उसमें से जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे उसका मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि दो टीमें राजरिफ
और लखाव टी बुलंद शहर वो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। क्या यह हर रवि कर रहे हैं, एक दो तीन बिल्कुल दो चले गए बाहर, दो चले गए बिल्कुल, दो खिलाड़ियों को किया है आउट भाई। स्कोर अब हो गया है 15-12, 3 पॉइंट की बढ़त हो गई है अब। ये है कमाल शिवम का, ये चौथा टैकल देखने को मिला है, लेकिन नहीं ये शिवम का नहीं था भाई, सुपर टैकल ऑन है दो खिलाड़ी कोर्ट में। 4 पॉइंट की लखावटी के पास बढ़त है और दो खिलाड़ी हैं। क्या यहां सुपर टैकल देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल मिला है। ये भाई जो अब स्कोर हो गया है 14-16, कोर्ट नंबर 1 के कोर्ट नंबर 2 में चारों टीमें चुस्तियों में लगी हुई है, कशमकश में लगी हुई है कि सेमीफाइनल में पहुंचा है। लेकिन ये गलतियां और स्कोर देखना होगा आप, बोनस मिला सुमन, स्कोर बराबर हो गया है भाई, स्कोर 16-16 बराबर है, क्या बात है, मुकाबला तगड़ा और बड़ा है, देखने लायक मुकाबला। ऋषभ और बिल्कुल यहाँ कॉर्नर को किया है बाहर, और ये ऋषभ का कमाल है भाई, जो 8 नंबर खिलाड़ी उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, पता नहीं किसे ले जाना पड़ रहा, मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है, ये 18 से 25 साल वालों को बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल ये देखना होगा बोनस मिला है क्या, और बिल्कुल बोनस दिया है भाई रेफरी साहब ने, तेजपाल सिंह ये सभी भाई इनके पास बहुत उपलब्धि है, आरपीएफ के भी कोच हैं, एनआईएस कोच हैं, एफएफआई के भी कोच हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं। और यहाँ ये ऋषभ चलता हुआ और टाइम आउट लिया है, बिल्कुल टाइम आउट दिया है, स्कोर 17-18 है, 1 पॉइंट की लीड है अभी भी लखावटी के पास। गेम एक बार फिर स्टार्ट है, क्या यहां बोनस मिलेगा, खिलाड़ी बिल्कुल मिला है और स्कोर हो गया है फिर एक बार बराबर 18-18, क्या बेहतरीन मुकाबला, शायद ही आपने ऐसा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का देखा हो। ये ऋषभ कमाल करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे और यहां बिल्कुल ये कामयाब होते हुए, अगर यहां से ऑल आउट होती है मभी कला तो ये जो बढ़ता है एडवांटेज धीरे धीरे लखावटी की तरफ जाता हुआ। 8 खिलाड़ी नंबर खिलाड़ी, ये 8 नंबर खिलाड़ी है, बोनस दिया है बिल्कुल खुला छोड़ा है बोनस, बिल्कुल बोनस दिया है। ये है शिवम का कमाल और ये ऑल आउट हुई है टीम, बोनस प्लस 3 पॉइंट है, बोनस है मावी कला के लिए और 3 पॉइंट है, टाइम आउट लिया है, स्कोर है 22-19। मैं आपको दर्शकों के पास लेकर चलता हूं भाई, कैसा चल रहा है ये मुकाबला, कौन टीम जीतेगी इसमें से भाई, इनको पता नहीं है क्योंकि किसी को ही पता नहीं है, इनको तो क्या पता है क्योंकि मुकाबला बिल्कुल एक एक पॉइंट पर चल रहा है, दर्शक बिल्कुल शांत है। गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ, बिल्कुल ऑल आउट हुई है टीम ऋषभ, भाई ऋषभ ने काम किया है, चले है ऋषभ अब और बिल्कुल चलना होगा अगर जीत लेनी है ग्रेटर नोएडा लखावटी को तो। ये बिल्कुल गलतियां हैं और ये गलतियां भारी पड़ेंगी भाई, अब लीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जेडी एकेडमी की। ऐसे मवी कला की टीम माइनस में रही है बिल्कुल, ये है कामयाबी, ये जो 44 नंबर है दोनों भाई, कमाल का गेम है इन दोनों का, अब लीड धीरे धीरे 5 पॉइंट की हो गई है, मुकाबला भी बढ़ता जा रहा है, टाइम खिंचता जा रहा है और लीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्या मवी कला जीतेगा यहाँ या जीत मिलेगी जेडी को, ये कह पाना कुछ भी असंभव है अभी।
बिल्कुल कटा है, देखना होगा या पार है, रेफरी साहब का निर्णय आना बाकी। बहुत मुस्तैद हैं, नहीं है ऋषभ को चलना होगा, बिल्कुल चले हैं ऋषभ, जिसका बोर्ड पर असर देख सकते हैं। पांच खिलाड़ी कोर्ट में और 5 पॉइंट की लीड है, 5 पॉइंट की लीड और 5 खिलाड़ी कोर्ट में हैं। जीडी एकेडमी को जो 3-4 पॉइंट ये जल्दी दिए हैं, इनकी वापसी जल्दी करनी पड़ेगी, इनकी रिकवरी जल्दी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये मुकाबला, बिल्कुल रेफरी साहब एकदम मुस्तैद हैं हमारे तेजपाल सिंह, और बेहतरीन खिलाड़ी भाई अभी आ रहा नंबर माविकला की तरफ से। बिल्कुल भाई शांति मारना है और लाठी भी नहीं टूटने दी। थर्ड रेड है, टू और टाइम में ऋषभ है भाई, क्या यहां कामयाब होंगे ऋषभ। 5 का डिफेंस, बोनस का पॉइंट मिल नहीं सकता, एक ही रास्ता है। ऋषभ भाई बेहतरीन खिलाड़ी, और यह गलती रवि करेंगे नहीं बिल्कुल भी, समय सीमा धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रही है, और ये 2 पॉइंट है भाई, ये कमाल है, और ये 2 पॉइंट दिए हैं और टाइम आउट लिया है। स्कोर 26-19 है भाई, क्या कहना चाहेंगे, मुकाबला कौन जीतेगा, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है भाई, बिल्कुल भी कोई भी जीत सकता है, लीड कोई मायने नहीं रखती है 7 पॉइंट की, कैसी टीमें गेम खेल रही हैं दोनों ही। और गेम फिर स्टार्ट, थर्ड रेड में है 11 नंबर और डू और टाई रेड है ये, और ये क्या है, सुपर रेड होगी क्या ये, मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 पॉइंट दिए हैं। बिल्कुल जो लीड 7 पॉइंट की थी, अब वो लीड रह गई है 5 पॉइंट की, 21-26 स्कोर है, मैंने बताया था ये 7 पॉइंट की लीड कोई मायने नहीं रखती है। ऋषभ भाई 2 पॉइंट लेकर गए थे, तो 11 नंबर विपुल भी 2 पॉइंट लेकर आए थे। आठ नंबर खिलाड़ी अभी 5 पॉइंट की लीड है और 5 खिलाड़ी कोर्ट में। लाइटें बार बार ब्लर कर रही हैं, दर्शक सभी ब्लर कर रहे हैं, बिल्कुल दिया है, बहुत जल्दी लेकर आते हैं पॉइंट। अब लीड धीरे धीरे 4 पॉइंट की रह गई है, जो 7 पॉइंट की लीड थी लगातार। यहाँ ऋषभ कामयाब होंगे, अगर यहाँ कामयाब होते तो बिल्कुल आधी टीम को बाहर कर देते, और 5 पॉइंट लगातार। जो 7 पॉइंट की लीड थी 4 पॉइंट लगातार लिए हैं, अब 3 पॉइंट की लीड है, 26-23 स्कोर है और टाइम आउट है जेडी का। एक बार गेम फिर स्टार्ट, भाई मावी कला ने बिल्कुल बजा दिया है और सुपर टैकल ऑन है यहाँ, ये खिलाड़ी बेहतरीन था लेकिन नहीं, लेकिन देखना होगा। एक समय स्कोर था 5 मिनट बाकी है इस गेम में, एक समय 19-26 स्कोर था, बोनस लिया है, स्कोर 27-28 हो गया है, 27 जेडी, और ये शिवम को भार किया है, अगर शिवम को भार करेंगे तो कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। ऋषभ को चलना होगा, पहले की तरह काम करना होगा, अब 2 पॉइंट की लीड है मविकला के पास, ये गलतियां भारी पड़ेंगी बिल्कुल, और शिवम को कराया है रिवाइवल। 28-29 स्कोर है भाई, लखावटी 28, ये गलतियां है और स्कोर हो गया है फिर बराबर, स्कोर 29-29 बराबर है। क्या मुकाबला देखने को मिला है, शायद ऐसा मुकाबला कभी आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन ये मवी कला का टूर्नामेंट
जबरदस्त मुकाबला, चार पीरियड समय शेष और लीड बराबर, ये दो पॉइंट है, ये यहां से ये कमाल है, दो पॉइंट दिए हैं, अब दो पॉइंट की लीड आ गई है, 31-29, बिल्कुल ये यहां गलती देखने को मिलेगी, बिल्कुल गलती है, तीन पॉइंट की लीड जेड की है और एडवांटेज ये है दो खिलाड़ी कोर्ट में हैं, अगर यहां से बिल्कुल ऋषभ 3 मिनट का समय है, 3 मिनट की लीड है, लेकिन एडवांटेज वो जेडी के पास ये है कि ये जो दो खिलाड़ी हैं अगर इसको ऑल आउट करता है तो बढ़त और ज्यादा हो जाएगी, बोनस दिया है, बोनस प्लस वन है क्या भाई, स्कोर 31-32 है, भाई दोस्तों कैसा लग रहा है ये मुकाबला, बिल्कुल भाई दर्शक खुश है एकदम, एक बार गेम फिर स्टार्ट, ऋषभ है रेड मिड में, 31-32 स्कोर है भाई, क्या ये कामयाबी मिलेगी, हाँ ये दिया है पारी टीम का ऑल आउट, ये रेफरी साहब का निर्णय आना बाकी है, 5 पॉइंट की रेड है ये, बिल्कुल ये 5 पॉइंट की रेड दी है भाई, पकड़ने के बाद हुआ था ये रेफरी साहब का निर्णय है, बिल्कुल 5 पॉइंट की रेड है, बिल्कुल भाई 5 पॉइंट की रेड है, अरे 5 पॉइंट दिए गए हैं, ऑल आउट हुई है मावी कला, गेम फिर एक बार स्टार्ट भाई, 5 पॉइंट की, भाई जोर का सारा वाले, मुश्किल हालात में कठिन परिस्थिति में ये भाई लास्ट मूवमेंट चलता हुआ ये मुकाबला भाई बेहतरीन हो चला है, भाई सामने बैठ जाओ, बैठ के देखो, बैठ के एक मिनट का समय शेष है, ऑफिशियल टाइम आउट है भाई, गेम स्टार्ट एक बार फिर, 37-32 स्कोर है, ये शिवम है भाई, एक पॉइंट की लीड, जो टाइम है 1 मिनट बचा हुआ है और लीड अभी भी 4 पॉइंट की है, टाइम अभी कम है, 33-37 स्कोर है, सुपर डुपर रन हो जाए तो मम्मी कला की टीम अपनी बादशाहत कायम कर लेगी, चलने का काम शैतान का है, और जी के साथ नहीं मुक पाए, ये भाई दो के चक्कर में ये पकड़ हुई है, बिल्कुल और समय समाप्त हो गया है यहाँ जेडी एकेडमी में, भाई समय समाप्त हो गया, मैच खत्म हो गया, मैच खत्म भाई, मैच खत्म हो गया और जेडी एकेडमी यहाँ सेमीफाइनल में पहुंच गई है, स्कोर है 38-34, 4 पॉइंट की बढ़त के साथ, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें भाई चैनल, बिल्कुल भाई ये समर्थक है जेडी के भाई, बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों।